नमस्कार, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको प्रत्याहार का यह वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो को समझने के लिए प्रत्याहार का यह वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी मिल सकता है। आदिरंते न संहिता, इस सूत्र को समझने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पूरे अष्टाध्याय में आपको प्रत्याहार इस शब्द का उल्लेखन नहीं मिलेगा। यानी कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में प्रत्याहार इस शब्द का कोई वर्णन नहीं किया है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि प्रत्याहार यह शब्द आया कहाँ से। अगर महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार इस शब्द का उल्लेखन या वर्णन नहीं किया है तो प्रत्याहार इस शब्द का निर्माण किसने किया है संस्कृत व्याकरण में। बिफोर अंडरस्टैंडिंग आदिरंतेन संहिता सूत्रम, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इन एंटायर अष्टाध्याय यू विल नॉट फाइंड द वर्ड प्रत्याहार बिकॉज प्रत्याहार इज नॉट यूज्ड बाय महर्षि पाणिनि। देन द बिग क्वेश्चन कम्स दैट फ्रॉम वेयर डज द वर्ड प्रत्याहार कम्स, हु इन्वेंटेड दिस वर्ड प्रत्याहार इन संस्कृत व्याकरण। मैंने आपको बैकग्राउंड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा की पृष्ठभूमि इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि व्याकरण शास्त्र में महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय पर दो महान महर्षियों ने काम किया है, महर्षि पतंजलि और महर्षि कात्यायन। यानी कि पाणिनि जी के अष्टाध्याय पर महर्षि पतंजलि और महर्षि कात्यायन ने अपनी अपनी व्याख्या यानी कि अपनी अपनी कॉमेंट्रीज रखी है ताकि के अष्टाध्याय को सरल भाषा में समझा सके। महर्षि कात्यायन ने, जिसे वरुचि के नाम से भी जाना जाता है, वार्तिक लिखकर अष्टाध्याय को सरलता से समझाने का प्रयास किया। फिर वार्तिक के आधार पर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। तो सबसे पहले प्रत्याहार इस शब्द का प्रयोग महर्षि कात्यायन ने किया, फिर उसके बाद में महर्षि पतंजलि ने इसका वर्णन किया है। तो महर्षि कात्यायन की वार्तिक ग्रंथ और महर्षि पतंजलि की महाभाष्य ग्रंथ, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं महर्षि पाणिनि की अष्टाध्याय को समझने के लिए। इन दो ग्रंथों के बिना महर्षि पाणिनि की अष्टाध्याय को समझना असंभव हो जाता। तो इन दो महर्षियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत व्याकरण में। तो सबसे पहले प्रत्याहार इस शब्द का निर्माण महर्षि कात्यायन ने किया था अपनी वार्तिक ग्रंथ में, यानी कि जब वो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्याय समझा रहे थे सरल भाषा में, तब उन्होंने प्रत्याहार इस शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद में महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में इसका प्रयोग किया था, और यह ग्रंथ महाभाष्य ग्रंथ महर्षि कात्यायन के वार्तिक ग्रंथ पे आधार थी। व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में सारे संक्षेप में सूत्र लिखे हैं। संक्षेप में सूत्र यानी कि शॉर्ट में उन्होंने सूत्र लिखे हैं। शॉर्ट में उन्होंने, सूत्र का अर्थ होता है नियम, शॉर्ट में उन्होंने सारे नियम लिखे हैं। इसीलिए महर्षि पाणिनि को सूत्रकार पाणिनि भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे सूत्र लिखे हैं अष्टाध्याय में। और यह सूत्र यानी कि नियम, जिसे हम इंग्लिश में रूल कहते हैं, वो बहुत ही छोटे में लिखे, संक्षिप्त में लिखे हैं। लगभग 4000 सूत्र उन्होंने संस्कृत व्याकरण के लिए लिखे हैं अष्टाध्याय में। अष्टाध्याय के इन सूत्रों को महर्षि कात्यायन ने वैज्ञानिक ढंग से यानी कि लॉजिकल, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने वार्तिक इस ग्रंथ में लिखा। ग्रंथ का अर्थ हमें पता है किताब, और वार्तिक का अर्थ होता है विशेषणात्मक व्याख्या, यानी कि एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग से सूत्रों का स्पष्टीकरण करना। तो महर्षि कात्यायन ने एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग से सूत्रों का स्पष्टीकरण किया वार्तिक ग्रंथ में। इसीलिए महर्षि कात्यायन को वार्तिकार कात्यायन भी कहते हैं। फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि ने वार्तिक ग्रंथ के आधार पर महाभाष्य ग्रंथ लिखा, जो और भी
स्पष्टीकरण करता है अष्टाध्याय के सूत्रों का, यानी कि वह डिटेल में स्पष्टीकरण करता है अष्टाध्याय के सूत्रों का। महाभाष्य ग्रंथ का अर्थ होता है, महा का अर्थ होता है डिटेल, यानी कि बहुत ही विस्तार तरीके से, और भाष्य का अर्थ होता है स्पष्टीकरण, यानी कि उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने बहुत ही विस्तार तरीके से स्पष्टीकरण किया है महाभाष्य ग्रंथ में। इसीलिए महर्षि पतंजलि को भाष्यकार पतंजलि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए संस्कृत में इन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, यानी कि सूत्रकार पाणिनि, वार्तिकार कात्यायन और भाष्यकार पतंजलि, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहते हैं संस्कृत व्याकरण के। तो अब हमें पता चल गया है कि प्रत्याहार इस शब्द की उत्पत्ति किसने की है। इस शब्द की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन ने की है अपनी वार्तिक ग्रंथ में। फिर प्रत्याहार इस शब्द का उपयोग महर्षि पतंजलि ने किया महाभाष्य इस ग्रंथ में। और यह तीनों पुस्तकें बहुत ही जरूरी है संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए, यानी कि अगर वार्तिक ग्रंथ और महाभाष्य ग्रंथ नहीं होता तो हम अष्टाध्याय को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, यानी कि अष्टाध्याय समझना नामुमकिन हो जाता। तो इसीलिए ये दोनों ग्रंथ का होना बहुत जरूरी है संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए। तो अब हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि प्रत्याहार इस शब्द का उपयोग संस्कृत व्याकरण में किसने किया था। सबसे पहले इसका उपयोग महर्षि कात्यायन ने किया था, और फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि ने किया था। इसीलिए प्रत्याहार इस शब्द का उपयोग संस्कृत व्याकरण में होता है। महर्षि पाणिनि से पहले अनेक महान व्याकरण शास्त्री आए थे, और इसका प्रमाण हमें अष्टाध्याय में मिलता है, जहाँ पर महर्षि पाणिनि ने उन 10 विद्वानों का वर्णन किया है जो महर्षि पाणिनि से पूर्व थे, यानी कि महर्षि पाणिनि से पहले थे। पर यह बहुत अफसोस की बात है कि महर्षि पाणिनि से पहले आए हुए विद्वानों के ग्रंथ खो चुके हैं, और इनका उल्लेखन हमें सिर्फ अष्टाध्याय में मिलता है। फिर महर्षि पाणिनि के बाद महर्षि कात्यायन आए, जिन्हें वरुचि के नाम से भी जाना जाता है, और जिन्होंने अष्टाध्याय पर वार्तिकों की रचना की। वार्तिक का अर्थ होता है विशेषणात्मक व्याख्या, यानी कि लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से सूत्रों को उन्होंने समझाया। और क्योंकि उन्होंने वार्तिकों की रचना की, इसीलिए उनके ग्रंथ को वार्तिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि वार्तिक ग्रंथ जो स्वतंत्र रूप से था वो खो चुका है। फिर उसके बाद में महर्षि पतंजलि आए, जिन्होंने अष्टाध्याय और वार्तिक ग्रंथ के आधार पर महाभाष्य लिखा। महाभाष्य का अर्थ है महा यानी कि डिटेल में, विस्तार से, और भाष्य का अर्थ है व्याख्या, यानी कि कमेंट्री की है उन्होंने। तो बहुत ही डिटेल तरीके से उन्होंने अष्टाध्याय के सूत्र को समझाया है वार्तिक ग्रंथ के आधार पर। पर मैंने आपसे कहा था कि वार्तिक ग्रंथ खो चुका है, और इसका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इसका हमें प्रमाण सिर्फ और सिर्फ महाभाष्य में मिलता है, यानी कि वार्तिक ग्रंथ का उल्लेखन हमें सिर्फ महाभाष्य के ग्रंथ के अंदर मिलता है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने जब महाभाष्य लिखा था, तब हमें पता चला कि वार्तिक नाम का कोई ग्रंथ था जिसके लेखक महर्षि कात्यायन थे, और इन वार्तिकों के आधार पर ही महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। तो वार्तिक ग्रंथ यह कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, क्योंकि यह खो चुका है। पर इसका उल्लेखन, इसका प्रमाण वार्तिक ग्रंथ महर्षि कात्यायन ने लिखा था, इसका प्रमाण हमें महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में इन वार्तिकों का प्रयोग किया था जो महर्षि कात्यायन ने लिखा है। ऐसा कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने लगभग 1500 वार्तिकों की रचना की थी, और जिसका प्रमाण हमें महाभाष्य में मिलता है जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है। व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि यानी के महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि, इन तीनों में से सबसे सर्वोच्च अधिकार महर्षि पतंजलि को दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी दुविधा हो या कुछ भी हमें संकोच हो व्याकरण शास्त्र में, तो जो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है उसी को माना जाएगा। और महर्षि पतंजलि के महाभाष्य को सर्वोच्च अधिकार क्यों दिया गया है संस्कृत व्याकरण शास्त्र में? क्योंकि उन्होंने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय के सूत्र को और महर्षि कात्यायन के वार्तिक
दृष्टिकोण के आधार पर महाभाष्य की रचना की है, तो उन्होंने बहुत ही विस्तार तरीके से व्याकरण शास्त्र को समझाया है इन दोनों ग्रंथों के आधार पर। तो प्रत्याहार इस शब्द का निर्माण महर्षि कात्यायन ने किया था वार्तिक में, और इसका प्रमाण हमें महर्षि पतंजलि देते हैं महाभाष्य में। यानी कि महाभाष्य में हमें पता चलता है कि प्रत्याहार इस शब्द का प्रयोग हुआ था। हमने यह जान लिया है कि प्रत्याहार इस शब्द का प्रयोग महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि ने किया है संस्कृत व्याकरण। जैसा कि मैंने बताया कि महाभाष्य सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण में, क्योंकि इसमें महर्षि पाणिनि जी के सूत्र और महर्षि कात्यायन के वार्तिकों से महर्षि पतंजलि ने यह महाभाष्य लिखा है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने पाणिनि जी के अष्टाध्याय से और कात्यायन के वार्तिकों से यह महाभाष्य लिखा है। तो हमें इन दोनों ग्रंथों का विस्तार से स्पष्टीकरण मिल जाता है महाभाष्य में। और क्योंकि प्रत्याहार इस शब्द का प्रयोग महर्षि कात्यायन ने किया था, जिसका हमें उल्लेखन मिलता है महाभाष्य इस ग्रंथ में, क्योंकि महर्षि कात्यायन का जो वार्तिक ग्रंथ है वह कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, इसका हमें उल्लेखन सिर्फ महाभाष्य में मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें महाभाष्य इस ग्रंथ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमें प्रत्याहार इस शब्द का अर्थ विस्तार से जानना हो तो हमें महाभाष्य में ही मिलेगा। महाभाष्य में दूसरे अध्याय का नाम ही प्रत्याहार आनिक है। इस अध्याय में महर्षि पतंजलि 8 प्रत्याहार सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि अयुण से लेके जबय तक इन 8 प्रत्याहार सूत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रत्याहार सूत्र यह नाम महाभाष्य से ही आया हुआ है। महाभाष्य में दूसरे अध्याय का नाम प्रत्याहार आनिकम यह नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इस अध्याय में प्रत्याहार सूत्रों के बारे में चर्चा की जा रही है, और क्योंकि प्रत्याहार सूत्रों के बारे में चर्चा की जा रही है इसलिए इसका नाम प्रत्याहार आनिकम रखा है। एक और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि महाभाष्य में अध्याय नहीं होते हैं, महाभाष्य में आनिक है। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्याय के 8 अध्याय को आनिकों में विभाजन किया है। आनिक का अर्थ होता है आना निवृत्तम, यानी कि जो एक दिन में निवृत्त हो जाए, यानी कि एक दिन में जिसका पाठ हो जाए उसे आनिक कहते हैं, यानी कि जो एक दिन में पूर्ण रूप से पढ़ा जा सके उसे आनिक कहते हैं। तो द्वितीय प्रत्याहार आनिकम, यानी कि सरल शब्दों में कहूँ तो ये सेकेंड चैप्टर है महाभाष्य में, जिसके अंदर प्रत्याहार सूत्रों के बारे में यानी कि माहेश्वर सूत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, और जिसका पाठ एक दिन में पूर्ण हो सकता है। अष्टाध्याय में आदिरंतेन संहिता इस सूत्र से हमें पता चलता है कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में प्रत्याहार इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में प्रत्याहार इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो उन्होंने प्रत्याहार इस शब्द की कोई परिभाषा यानी कि कोई डेफिनेशन या स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। प्रत्याहार यह शब्द हमें महर्षि पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ से मिलता है, यानी कि अष्टाध्याय में महर्षि पाणिनि ने स्वरों को अच कहा है और व्यंजनों को हल कहा है। हल अच ऐसे ही उन्होंने नाम बताए हैं, पर अच और हल इनको प्रत्याहार इस शब्द के नाम से भी जाना जाता है, यह हमें पता चलता है महर्षि पतंजलि के महाभाष्य से। यानी कि महर्षि पतंजलि ने अच हल इनको प्रत्याहार यह नाम दिया है। एक उदाहरण देख लेते हैं यह बात समझने के लिए। यह रमेश है, इसके माता पिता ने इसका नाम रमेश रखा है। रमेश जब अपने ननिहाल यानी कि नाना नानी के घर जाता है तो इसके नाना नानी इसे लल्ला यह नाम कहकर पुकारते हैं, यानी कि रमेश का दूसरा नाम लल्ला भी है। तो ठीक इसी प्रकार महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में स्वरों को अच, व्यंजनों को हल, ऐसे छोटे छोटे शब्द बनाए थे। उन्होंने क्यों बनाए थे यह आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। और इन छोटे छोटे शब्दों को यानी कि अच हल इन छोटे छोटे शब्दों को महाभाष्य इस ग्रंथ में प्रत्याहार यह नाम दिया गया, तो इस वजह से अच हल इनका दूसरा नाम प्रत्याहार भी है। तो सबसे पहले अच हल ये छोटे छोटे शब्द कैसे बनते हैं इसका हमें पता चला महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय से, यानी कि आदिरंतेन संहिता इस सूत्र से हमें पता चला कि ये छोटे छोटे शब्द बनते कैसे।
हैं। और महाभाष्य इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अच हल इनको प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण में महाभाष्य ग्रंथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्याय के सूत्र समझने के लिए। आदिरंते इन संहिता इस सूत्र में अनुवृत्ति लगी हुई है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में कहा था कि अनुवृत्ति का अर्थ क्या होता है। अनुवृत्ति का अर्थ होता है कि पहले सूत्र के पद को आगे के सूत्र में ले जाना। तो आदिरंते इन संहिता इस सूत्र से पहले स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा यह सूत्र आता है और आदिरंते इन संहिता इस सूत्र में अनुवृत्ति स्वम और रूपम इन दो पदों पे है। तो हमें पहले सूत्र से यानी कि स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा इस सूत्र में जो दो पद लगे हुए हैं स्वम और रूपम इन दोनों पदों को हमें आदिरंते इन संहिता इस सूत्र में लेना है यानी कि हमें इस सूत्र में रिपीट करना है। तो सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो अनुवृत्ति का अर्थ होता है कि पहले सूत्र के पद को आगे के सूत्र में रिपीट करना। तो हमें सिर्फ स्वम और रूपम इन दो पदों को रिपीट करना है आदिरंते इन संहिता इस सूत्र के साथ। आदिरंते इन संहिता इस सूत्र को सरलता से समझने के लिए हम पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद यानी कि पद को अलग अलग करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम पदच्छेद क्यों करते हैं। संस्कृत में जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे संधि हो रखी है यानी कि इन शब्दों में परिवर्तन हो चुका है क्योंकि यहाँ पे दो वर्ण पास पास आए, इसलिए हम इन सब पदों को अलग अलग करेंगे इस सूत्र को अच्छी तरह से समझने के लिए। पदच्छेद करते हैं तो यह सूत्र कुछ इस प्रकार दिखाई देता है आदि अंतेन सह इता। आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और हम इसका अर्थ कैसे लेंगे। आदिरंतेन संहिता यह सूत्र के साथ हम अनुवृत्ति के ये दो पद भी लेंगे। तो इसका पूर्ण अर्थ यह होगा आदि अंतेन इता सह स्वरूपम करोति। हिंदी में इसका अर्थ हम देखते हैं आदि, आदि का अर्थ होता है पहला। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पहला वर्ण। तो आदि का अर्थ होता है पहला वर्ण। अंतेन, अंतेन का अर्थ होता है अंतिम। इता, इता का यहाँ पे अर्थ होता है इत संज्ञा वाले वर्ण। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इत संज्ञा एक टेक्निकल टर्म है जो संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने दिया है। हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि महर्षि पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्र यानी कि प्रत्याहार सूत्र में इन सारे अंतिम वर्णों को इत संज्ञा यह टेक्निकल नाम दिया है। ये जो आप लास्ट के ब्लू लेटर्स देख रहे हैं इनको महर्षि पाणिनि ने इत संज्ञा यह टेक्निकल नाम दिया है। सह का अर्थ होता है साथ, अपने स्वरूप का ग्रहण कराता है। स्व का अर्थ होता है अपनी और रूप का अर्थ होता है कि आकृति या विशेषता। तो हिंदी में इस पूरे सूत्र का अर्थ इस प्रकार है, पहला वर्ण अंतिम इत संज्ञा वाले वर्ण के साथ अपने स्वरूप का ग्रहण कराता है। यह सूत्र महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में देते वक्त इसका उदाहरण हमें अण अच हल ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए। तो यह सूत्र हमें समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि इस सूत्र से हमें यह तो बात समझ में आ जाती है कि पहला वर्ण अंतिम इत संज्ञा वाले वर्ण के साथ यानी कि पहला वर्ण यानी कि अ और अंतिम इत संज्ञा वाले वर्ण यानी कि ये अंतिम ण यह इत संज्ञा वाला वर्ण है के साथ अपने स्वरूप का ग्रहण कराता है यानी कि अण अपने स्वरूप का ग्रहण कराता है। पर कौन से स्वरूप का ग्रहण कराता है इसमें हमें यह बात पता नहीं चल रही है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण महर्षि पतंजलि ने किया है महाभाष्य इस ग्रंथ में। आइए देखते हैं पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ को। महाभाष्य में आदिरंतेन संहिता इस सूत्र को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है जो इस प्रकार है, अंतिम इत संज्ञा वर्ण के साथ जो आदि वर्ण आदि यानी कि पहला वर्ण वह अपने मध्यगामी वर्णों मध्यगामी यानी कि मध्यम के वर्ण का
और अपने स्वरूप का ग्राहक होता है। मैं एक बार वापस आपको बता देती हूँ, यह स्पष्ट रूप से अंतिम इत संज्ञा वर्ण यानी कि ण, अंतिम इत संज्ञा वर्ण यानी कि ण के साथ जो आदि वर्ण यानी कि पहला वर्ण, तो यहाँ पे पहला वर्ण अ है, अपने मध्यगामी वर्णों का, मध्यगामी यानी कि जो मध्यम के वर्ण है, तो इसमें मध्यम के वर्ण कौन से है, ई और ऊ। तो इस वाक्य में यह कह रहा है कि जो आदि वर्ण वह अपने मध्यगामी वर्णों का, तो आदि वर्ण यानी कि पहला वर्ण अ है और मध्यगामी वर्ण यानी कि मध्यम के जो वर्ण है ई और ऊ है, का और अपने स्वरूप का ग्राहक होता है, यानी कि वो अपने पहला वर्ण और मध्यम वर्णों का, इन दोनों का और अपने स्वरूप का, स्वरूप का यानी कि यहाँ पे अंतिम इत संज्ञा वर्ण और आदि वर्ण के साथ जो शब्द बना है अण, यह इसका स्वरूप है। स्वरूप यानी कि आकृति या विशेषता, ये इसका आकार है, अण एक आकार है इस शब्द का। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अपने स्वरूप का ग्राहक है, यानी कि इसने अण ने अ ई ऊ ण इससे जो स्वरूप बना है वह अण है, और यह अण इस शब्द अण ने ग्रहण कर रखा है। क्या ग्रहण कर रखा है, आदि वर्ण, आदि वर्ण यानी कि पहला वर्ण यानी कि अ, और यह आदि वर्ण मध्यगामी वर्ण यानी कि मध्यम वर्णों को भी इसने ग्रहण कर रखा है, यानी कि ई और ऊ को भी इसने ग्रहण कर रखा है अंतिम इत संज्ञा वर्ण के साथ। इत संज्ञा वर्ण यानी कि ण, इत संज्ञा वर्ण के साथ इसने ग्रहण कर रखा है। तो यह सूत्र हमने बहुत ही लॉजिकली समझा है महर्षि पतंजलि की भाषा में, यानी कि महर्षि पाणिनि ने सिर्फ स्वरूप कहा था, स्वरूप यानी कि सिर्फ उन्होंने अण यह शब्द बताया था, पर महर्षि पतंजलि ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि अण के अंदर आदि वर्ण के साथ और मध्यम वर्णों के साथ इस स्वरूप का ग्रहण होता है, यानी कि इस अण के अंदर, अण यह जो स्वरूप है इसके अंदर आदि वर्ण यानी कि अ और मध्यम वर्णों का ग्रहण होता है, मध्यम वर्ण यानी कि ई और ऊ। और महाभाष्य ग्रंथ ने इसे स्पष्ट रूप से अण को प्रत्याहार यह नाम दिया। तो अण यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है, यानी कि तकनीकी शब्द है, जो सिर्फ संस्कृत व्याकरण में ही इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब क्या होता है, अण का अ ई ऊ ण। हमने यह देखा है कि माहेश्वर सूत्र में यानी कि इन प्रत्याहार सूत्रों में इन सारे अंतिम अक्षरों को महर्षि पाणिनि ने इत नाम दिया है। इत नाम यह टेक्निकल नाम यानी कि तकनीकी शब्द क्यों दिया है, ताकि कि इनसे प्रत्याहार हम बना सके। और हमने पिछले स्लाइड में देखा कि आदि रंतेन संहिता इस सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाते है, और मैंने आपसे यह भी कहा था कि माहेश्वर सूत्र में यह अंतिम अक्षर नहीं गिने जाते हैं, यानी कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो यह अंतिम अक्षर नहीं गिने जाते, ये लास्ट के जो ब्लू लेटर्स देख रहे हैं यह नहीं गिने जाते हैं। यह अंतिम अक्षर इसलिए नहीं गिने जाते हैं क्योंकि अष्टाध्याय में एक सूत्र है जो कहता है कि यह अंतिम अक्षरों का लोप हो जाएगा। अष्टाध्याय में तस्य लोपः, इस सूत्र से हमें पता चलता है कि माहेश्वर सूत्र यानी कि प्रत्याहार सूत्र के यह अंतिम अक्षर नहीं गिना जाएगा। इस सूत्र में भी अनुवृत्ति लगी हुई है, अनुवृत्ति का अर्थ हमें पता है कि हमें पिछले सूत्र के पद को इस सूत्र में रिपीट करना होगा। तस्य लोप, इस सूत्र से पहले उपदेशे ज अनुनासिक इत यह सूत्र था, और अनुवृत्ति इत इस पद पे लगी हुई है, यानी कि हमें उपदेशे ज अनुनासिक इत इस सूत्र से सिर्फ इत यह शब्द लेना है। तो इस सूत्र का पूरा अर्थ होगा, यहाँ पे हम पद छेद नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही पद है, और बड़ी आसानी से हमें यह सूत्र समझ में आ जाएगा। तो अनुवृत्ति का इत भी लेंगे हम इस सूत्र के अंदर, तो इसका पूरा अर्थ होगा तस्य इत संजकस्य लोपः भवति। तस्य का अर्थ होता है उसका, इत संजकस्य यानी कि इत संज्ञा वाले वर्ण, संज्ञा यानी कि नाम, इत नाम वाले वर्ण, वर्ण यानी कि अक्षर, तो इत नाम वाले वर्ण का लोप हो जाएगा। तो इसका हिंदी में पूरा अर्थ यह होगा, उस इत संज्ञा वाले वर्ण का लोप होता है, लोप
का अर्थ हम जानते हैं हिंदी में कि गायब हो जाना। महर्षि पाणिनि ने लोप का अर्थ बताया है अदर्शनम लोपह इस सूत्र में। अदर्शनम यानी कि न दर्शनम, जिसका दर्शन नहीं होता है, जो होकर दिखाई न दे अदर्शन हो जाए उसका नाम लोप है। यानी कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे कि अण, अणिया प्रत्याहारम बनाते हैं, तो इसमें ण होकर भी नहीं दिखाई देता है, वो अदर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह इत संज्ञा है और इत संज्ञा के बारे में महर्षि पाणिनि ने कहा है कि यह लोप हो जाएगा, और लोप का अर्थ होता है कि अदर्शनम, यानी कि जो दिखाई ना दे। ठीक इसी प्रकार जब हम सारे स्वर वर्ण लेते हैं, यानी कि अच के अंदर सारे स्वर वर्ण आते हैं, तो इसके अंदर भी सारे अंतिम अक्षर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इसका लोप हो जाता है। और क्यों लोप हो जाता है? क्योंकि इसके बारे में महर्षि पाणिनि ने यह सूत्र बताया है, तस्य लोपः, जो यह कहता है कि सारे इत संज्ञा वर्ण यानी कि जो अंतिम वर्ण है उसका लोप हो जाएगा। तो अच का जो अंतिम च है वह होकर भी दिखाई नहीं देता है जब हम प्रत्याहार बनाते हैं उसका। अब आपके दिमाग में भी यह प्रश्न आता होगा कि इन सारे अंतिम अक्षरों को अगर तस्य लोप यानी कि अदर्शनम करना ही था, तो महर्षि पाणिनि ने यहाँ पे दिखाया ही क्यों? इन अंतिम अक्षरों को हटाना ही था तो लगाया क्यों? मैंने आपको बताया था कि संस्कृत एक तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि लॉजिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज है। महर्षि पाणिनि ने यह अंतिम अक्षर इसलिए लगाए ताकि के वो वर्णों को छोटे में बता सके, यानी कि वो संक्षेप में वर्णों को बता सके, इसलिए यह अंतिम अक्षर उन्होंने लगाए हैं। जब उन्हें स्वरों के 9 वर्ण बोलने थे तो उन्होंने अच यह नाम बता दिया। जब उन्हें 33 वर्ण बताने थे व्यंजनों के, तो उन्होंने हल यह शब्द बता दिया। यानी कि 33 वर्णों का नाम लेने के बदले उन्होंने बता दिया हल। तो हमें समझ में आता है कि हल के अंदर सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। जब उन्हें अ ई उ यह बोलना था तो उन्होंने अण यह नाम बता दिया। तो इन सारे अंतिम अक्षरों को लगाने का एक ही कारण था कि महर्षि पाणिनि इन सारे वर्णों को संक्षिप्त में बता सके, और इन संक्षिप्त वर्णों को महाभाष्य ग्रंथ में प्रत्याहार यह नाम दिया गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इन अंतिम अक्षरों को क्यों नहीं गिना जाता है प्रत्याहार बनाते समय। क्यों? क्योंकि इनका लोप हो जाता है इस सूत्र से, तस्य लोप इस सूत्र से, यानी कि इस नियम से अंतिम अक्षरों का लोप हो जाता है। जैसा कि विज्ञान में हम जानते हैं कि तकनीकी शब्द यानी कि टेक्निकल शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। विज्ञान यानी कि साइंस में मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वाटर यानी कि पानी को बोलने के लिए H2O इस टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने यानी कि साइंटिस्ट ने वाटर के लिए यह टेक्निकल शब्द H2O इसलिए बनाया ताकि कि इसका प्रयोग फॉर्मूला यानी कि सूत्रों में कर सके। और हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में यह फॉर्मूला इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कि इनसे कुछ नियमों को सिद्ध कर सके। हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, और क्योंकि यह वैज्ञानिक भाषा है यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसलिए हमें इन टेक्निकल शब्दों का यानी कि तकनीकी शब्दों का ज्ञान यानी कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है सूत्रों को अच्छी तरह से समझने के लिए। महर्षि पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ भी अथ शब्दानुशासनम से शुरू होता है। अतः शब्दानुशासनम का अर्थ होता है, अत का अर्थ होता है प्रारंभ, और शब्दानुशासनम का अर्थ होता है विज्ञान, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। यहाँ से महर्षि पतंजलि शब्दों का विज्ञान पे प्रकाश डालते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे विज्ञान में केमिस्ट्री का यह एग्जाम्पल इसलिए दिया है, उदाहरण इसलिए दिया है ताकि कि आपको समझ में आ सके कि ठीक इसी प्रकार त्याहार में अण, अच, हल ये सारे टेक्निकल शब्द हैं। इन टेक्निकल शब्दों को महर्षि पाणिनि ने इसलिए बनाया ताकि इनका प्रयोग सूत्रों में किया जा सके, और इन सूत्रों से संस्कृत भाषा के नियम सिद्ध होते हैं, जिससे यह हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान देते हैं। महर्षि पाणिनि हैव यूज्ड दीज टेक्निकल टर्म्स इन सूत्रास सो दैट रिलेवेंट रूल्स कैन बी प्रूवन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो हमने सिर्फ 3 ही प्रत्याहार देखे, अच, अण और हल। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में कुल 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। आइए हम देखते हैं इन सारे 42 प्रत्याहार को।